मऊ जनपद को बुनकरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के बुनकरों के हाथों की बनी साड़ियों पर बुनकर वाह वाह ही बटोर लेते हैं, जिसका उदाहरण देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मऊ को बुनाई कला का मैनचेस्टर भी कह गए हैं। हालांकि बदलते समय में बुनकरों का पेशा नहीं बदला, लेकिन उनकी पहचान जरूर बदल गई है। बुनकर बदहाल हो गए हैं, पहचान के मोहताज हो गए हैं। मऊ की बनी साड़ियों पर बनारस का ठप्पा लगने के बाद बनारसी साड़ियां हो जाती हैं और ऊंचे दामों में बिकती हैं, लेकिन मऊ की साड़ी मऊ के नाम पर नहीं बिकती, और बिकती भी है तो बहुत ही कम दामों पर। आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे का कारण जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल मऊ की बनी साड़ियों को क्यों नहीं मिली पहचान, इस पर बुनकरों का कहना है कि सरकार की उपेक्षा और बुनकरों के हित में कोई सार्थक योजना का नहीं होना है। इसकी पहचान को इसी चीज ने खत्म कर दिया है। सरकार की तरफ से कोई उचित बुनकरों के माल के विपणन का प्लेटफॉर्म नहीं होने से बुनकर बदहाली का शिकार हो रहे हैं। बदहाली की वजह से बुनकर पलायन और फाकाकशी के लिए मजबूर हो गए हैं। बदहाली की वजह से बुनकरों के बच्चों को शिक्षा का स्तर भी नहीं मिल पा रहा है। इनका कहना है कि सरकार ने जिस तरह से किसानों का कर्ज माफ किया है, उसी तरह से सरकार हम लोगों पर भी ध्यान दे, बिजली की व्यवस्था सही करे, इसके साथ ही जिले में विपणन केंद्र खोलने का काम करे, ताकि बुनकरों के माल की सीधे खरीद हो, तब बुनकरों की स्थिति बदल सकती है। बुनकरों की उम्मीद है कि सरकार उनके लिए कोई अच्छी योजना बनाएगी। जब बुनकरों की बदहाली के नब्ज को टटोलने के लिए हमने एक पड़ताल की, तो समझ में आया कि बदहाली और पलायन के पीछे सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का भी अहम रोल रहा है, क्योंकि जिले के कोई भी जनप्रतिनिधि बुनकरों की आवाज को लोकसभा या विधानसभा में नहीं उठा पाते, और अगर उठाते भी हैं तो उस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती। ना ही सरकार के पास कोई योजना है जो इनको साकार रूप दे सके। हालांकि बुनकरों ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है कि सरकार बुनकरों के हित के लिए जिस तरह से किसानों के लिए योजना बना रही है, ठीक उसी तरह से बुनकरों के लिए भी योजना बनाए, तब जाकर बुनकरों की बदहाली दूर हो पाएगी। हमारा लोग पुश्तैनी बुनकर हैं, लेकिन हमारी उम्र 25-26 साल हुई। हम बचपन से बड़े खुशहाल थे। जब हमारी मजदूरी 40 रुपए थी, साड़ी की 30 रुपए थी, तो हम बड़े खुशहाल थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, महंगाई बढ़ती गई, उसी तरीके से उसके चार गुना हिसाब से हमारे ऊपर समस्याएँ बढ़ती गई। गवर्नमेंट आई समाजवादी पार्टी की, उसने कहा कि हम बुनकरों के कर्ज माफ करेंगे, बुनकरों की पासबुक देंगे। उसने एक काम किया, बुनकरों को कम रेट पर पासबुक तो दे दिया, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे बुनकर समाज के लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। हमारे कर्ज की माफ़ी इसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से हमारी नवनिर्वाचित गवर्नमेंट योगी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ़ किया। दूसरी सबसे बड़ी आबादी बुनकरों की है, इसीलिए हम उम्मीद करते हैं और अपेक्षा करते हैं माननीय योगी जी से कि हमारे कर्ज माफ़ होंगे, ताकि हमारे ये जो सारे बुनकर अभी 18 साल की दहलीज को पहुँचते ही हैं तो उनका पासपोर्ट बनाया जाता है, खाड़ी देशों में जाकर गुलामी करते हैं और घर के लोग बीमार हैं, शिक्षा से वंचित है, इसकी किसी को परवाह नहीं, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे हमारी जनप्रतिनिधि,
हालांकि सरकारें बदली हैं, जब सरकार बदलती है तो हमें ढेर सारी उम्मीदें होती है और अमीर लोग इसी उम्मीद पर इसी अपेक्षा पर सरकार बदलती है ताकि हमारा पुरसाने हाल हो, हमारी समस्याओं का समाधान। मगर ऐसा हमने अपनी 25-26 साल की उम्र में नहीं देखा, हमारी समस्याएं बदल गई है। क्या आपको लगता है कि योगी जी आपके बगल के गोरखपुर से सांसद या मुख्यमंत्री क्या बुनकरों की समस्या सुनेंगे? चूँकि गोरखपुर भी बुनकर बाहुल्य क्षेत्र में आता है, वहाँ भी बुनकरों की समस्याएं और हमारे पड़ोसी जनपद में, और चूँकि उनका व्यक्तित्व योगी है तो वो एक आम नागरिक की समस्या से पूरी बात वाकिफ है और हमारे बुनकर प्रतिनिधि एज ए बुनकर फलाई काउंसिल के बैनर तले हम उनको ज्ञापन भी देंगे। चूँकि कुछ बातें चूँकि वो बुनकर तो है नहीं, उनको बतानी पड़ेगी, उनसे मांग की जाएगी और हमें आशा है कि जिस तरीके से किसानों का उन्होंने मांग किया उनकी समस्याओं के प्रति गंभीर हुए, हमारी समस्याओं के प्रति गंभीर। हम तो पेशे से बुनकर हैं, हमारा पूरा परिवार बुनकर है और पुश्तैनी बुनकर है। क्या क्या बुनकरों को दिक्कत आ रही है? देखिए बुनकरों की बहुत सारी दिक्कतें हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो बिजली थी, लेकिन आज के टाइम में बिजली थोड़ा सुधार है, बिजली मिल रही है, लेकिन बिजली के मिलने के बावजूद जो हमारी जीविका होनी चाहिए, जो हमारी मजदूरी होनी चाहिए, वो मजदूरी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अगर हम दिन भर में मेहनत करते हैं तो 80 रुपया और मैक्सिमम 100 रुपया काम कर पाते हैं। आज के टाइम में महंगाई के दौर में आप सोचिए कि एक आदमी 100 रुपया लेके जाता है तो चाय पान में खर्च हो जाता है, बच्चों को कैसे खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे। क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम मांग ये करना चाहते हैं कि सरकार बुनकरों के लिए पहले तो मऊ में एक बुनकर हब खोले, जहाँ से माल की, कच्चे माल की खरीदारी हो और सस्ते में खरीदारी हो और वहीं पे हमारा तैयार माल बेचा जाए और गवर्नमेंट उसको अच्छे दाम पे खरीदे ताकि बुनकरों को उसका लाभ हो। और सरकार को चाहिए कि कम से कम अगर हब ही तैयार करती है तो 50% बुनकरों का माल उस हब में खरीदा जाए। मऊ को बुनकर बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, लेकिन जो भी यहाँ की साड़ियाँ बनती है बनारस के नाम से बिकती है, ऐसा क्या है? देखिए बनारस के नाम से कुछ लोग उसको गलत तरीके से प्रचार करके बेचते हैं, जबकि मऊ की साड़ी खुद इतनी अच्छी होती है कि पूरे हिंदुस्तान में मानी जाती है। मऊ को आपने देखा कि आज नहीं, आज़ादी से पहले जब नेहरू जी अधिवेशन में आए थे तो उन्होंने कहा कि मऊ मैनचेस्टर है, मिनी मैनचेस्टर है। और यहाँ के जो बुनकर थे हैंडवर्क करते थे, पहले करगत थी हैंडलूम चला के काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जमाना मॉडर्नाइज हुआ, मॉडर्नाइज के दौर में आज के दौर में बुनकरों ने एक जुगाड़ लगा के आधा हॉर्स पावर की मोटर लगा के पावर लूम उसको करार दे दिया गया, लेकिन जबकि वो पावर लूम के जुमरे में नहीं आना चाहिए। फिर भी यहाँ पे जो पासबुक बनाया जा रहा है बुनकरों के नाम पे, बुनकर के नाम पे पासबुक बनाया जा रहा है, लेकिन नया जो नियम आया है कि हथकरघा विभाग से जब तक बुनकरों को बुनकर कार्ड जारी नहीं हो जाएगा तब तक नया कनेक्शन उनको नहीं दिया जाएगा। तो नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।